348 फेक बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों लोग रामपुर जेल में बंद हैं। अब जेल प्रशासन ने तीनों कैदियों को कैदी नंबर भी दे दिया है। जेल प्रशासन की ओर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान को कैदी नंबर 338 मिला है। वहीं आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को 339 और बेटे अब्दुल्ला आजम को 340 कैदी नंबर दिया गया है। ये जेल के अपनी व्यवस्था होती है कि जैसे कोई भी बंदी आता है तो उसको एक सीरियल क्रम में हम लोग रखते हैं। तो अगर आप उस क्रम की बात पूछ रहे हैं तो यह है कि 338 नंबर पे इनका नंबर आता है। ये जेल के अपनी व्यवस्था होती है कि जैसे कोई भी बंदी आता है तो उसको एक सीरियल क्रम में हम लोग रखते हैं। तो अगर आप उस क्रम की बात पूछ रहे हैं तो यह है कि 338 नंबर पे इनका नंबर आता है। आजम खान को रामपुर जेल में बैरक नंबर 1 दी गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कद्दावर नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को जेल में कहीं स्पेशल व्यवस्था तो नहीं दी जा रही है? तो जवाब है नहीं। जिला जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि आजम और अब्दुल्ला को सामान्य कैदियों के साथ रखा गया है। वहीं आजम परिवार को जेल मैनुअल के हिसाब से ही खाना दिया गया। फिलहाल इनको सामान्य बंदियों के साथ रखा गया है। अभी जेल के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी इनपुट हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से इनको किसी विशेष अलग इनक्लोजर में सबसे अलग रखने की कोई आवश्यकता हो। हालांकि हम लोग सुरक्षा की अभी समीक्षा कर रहे हैं और उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में ये चीज़ें हैं। अगर ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त होता है कि इनके लिए कोई विशेष सुरक्षा इंतजाम करने हैं तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। अदरवाइज़ अभी तक तो सामान्य बंदियों के साथ जैसा जो कुछ प्रोसीजर होता है वही इनके साथ रख के इनको सामान्य बंदियों के साथ ही रखा है। तो जेल के मैनुअल के हिसाब से इन्हें खाना दिया जा रहा है या? जी बिल्कुल, जेल के मैनुअल के हिसाब से जो भी अनुमन्य चीज़ें हैं, फिलहाल जो भी आम बंदियों के लिए बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही इनको कल शाम को भी दिया गया था। इन्होंने खाना ले भी लिया और सामान्य तरीके से अपना भोजन भी किया है। प्रातःकाल जो नाश्ते में जो चीज़ें सभी के लिए बनी थी वो इनको उपलब्ध कराई गई और सभी बंदियों के जैसा इन्होंने भी नाश्ता और खाना जो भी बना था वो इनको दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार सपा नेता आजम खान की पहली रात बेचैनी भरी रही, वे थोड़ा परेशान नजर आए। वहीं रामपुर की बात करें तो आजम परिवार के जेल जाने के बाद सपा कार्यालय और उनके घर पर सन्नाटा छाया रहा।